मुझे उन्हें गेटफेल सुन कहने के लिए जाना ही चाहिए। डोंट फॉरगेट कि तेरे और उनके बीच में 18 साल का फासला है। मेरे बाबा मुझे छोड़ गए डॉक्टर निधि। बाबा ने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया था सिवाय उस घर के, और मैं कुछ नहीं चाहता था सिवाय उस घर के। वो घर जिसमें कुछ ऐसे छुपे हुए कोने थे जो सिर्फ मैं जानता था, जहां मैं छुपकर बाबा को परेशान किया करता था। वो घर जो मकान कम और मरहम ज्यादा था, वो घर मुझसे छीन लिया गया और ऐसे अनजान लोगों के हाथ दे दिया गया जिनसे आज मैं नफरत करता हूं। नफरत करता हूं मैं उन लोगों से, नफरत करता हूं मैं उन लोगों से। सब रिलैक्स, आपको आराम करना चाहिए। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? आइए मैं आपको चीजें बता देता हूं, अंधेरे में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आइए। सुहासिनी, मैं आदि के लिए कड़ी बना रही हूं। अरे आपकी कड़ी के बारे में तो मैंने बहुत सुना है, मुझे भी सीखनी है दीदी। आदित्य को मेरे हाथ की कड़ी पसंद ही नहीं आती। पागल है वो। ऐसी कोई खास बात नहीं है मेरी कड़ी में, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें सीखनी है तो। इतना सब आप भाई के लिए करती है, किसी और के लिए करती तो अप्रिशिएट करता हो। अरे किसके लिए करूंगी, अकेली रहती हूँ ना, और अपने लिए ये सब करना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। डॉक्टर आशुतोष के लिए सुहासिनी प्लीज। बुरा मत मानिएगा दीदी, मगर भाई भाई होता है। जो खुशी आपको पति को खुश करके मिलेगी वो और कहीं नहीं मिलेगी। सुहासिनी क्या मुझे तुम्हें ये याद दिलाने की जरूरत है कि डॉक्टर आशुतोष मेरे पति नहीं है? यही तो हम सब आपसे पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर आशुतोष आपके पति क्यों नहीं है? 12 साल से आप जिनका इंतजार कर रही है वो आपसे कब तक इंतजार करवाएंगे, और आप कब तक इंतजार करेंगे उनका? मैं किसी का इंतजार करूं या ना करूं, ये हक मैंने किसी को नहीं दिया है, तुम्हें भी नहीं। और मैंने सारी जिंदगी ना तो कभी किसी से कुछ मांगा है, ना किसी के ऊपर डिपेंड रही हूं। तो मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करती हूं, ये हक सिर्फ मुझे है, सिर्फ मुझे, किसी को नहीं। क्यों नहीं दीदी, आपकी फिक्र हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बस सुहासिनी, अगर तुम्हें यही सब बातें करनी है तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बातें सिर्फ मैं या रिश्तेदार नहीं कर रहे, गली मोहल्ले वाले भी कर रहे। मेरे घर वालों का जीना मुश्किल हो गया, किसको जवाब दे बताइए दीदी। स्टॉप इट सुहासिनी, तुम और आदि कल रात में यही बात कर रहे थे ना, क्या मेरी शादी ब्याह के अलावा कोई और टॉपिक नहीं रह गया किसी के पास? और अपने मोहल्ले वालों से कहना जिसको जो पूछना हो वो मुझसे आके पूछे, मैं जवाब दूंगी सबको। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ स्वास्थ्य? डॉक्टर निधि वर्मा, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूं। आइए, चाय पत्ती और शक्कर। एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। क्या?
मैंने पहले कभी चाय नहीं बनाई है, तो इसलिए बुरी बने तो प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। डॉक्टर निधि वर्मा, ये सिर्फ आप ही कर सकती है। सिर्फ आप ही कर सकते जी। जी, जिंदगी में कभी चाय नहीं बनाई आपने, फिर भी चाय बनाने का जिम्मा आपने ले ली। कमाल। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? आप पर भरोसा? नहीं, उस बात पे नहीं हंस रहा हूं मैं। सच बात तो ये है कि मैंने भी जिंदगी में कभी ठीक तरह से चाय बनाना नहीं सीखा। अब इस सिचुएशन में दो लोग अकेले, आप और मैं, अंधेरे में चाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डॉक्टर हार्टस्टोन क्या कोई खड़ूस भी हंस पड़ेगा? चाय बनाना कौन सी रॉकेट साइंस है सर? बस पानी उबालो, चाय पत्ती डालो, दूध और शक्कर मिलाओ और पीजो। हाँ, बहुत हुआ तो थोड़ी सी अदरक डाल। अदरक होती तो मजा आ जाता। लेकिन आज तो बरसात नहीं है। मगर अदरक तो है। अदरक है। नैनों की भाषा समझना। आपकी दीदी ने तो सिर्फ एक ही याद है, डॉक्टर आशुतोष। हम सब आपसे पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर आशुतोष आपके पति क्यों नहीं है? 12 साल से आप जिनका इंतजार कर रही है, वो आपसे कब तक इंतजार करवाएंगे? कैसी है चाय? बुरी नहीं है, अच्छी है। बातें सिर्फ मैं या रिश्तेदार नहीं कर रहे, गली मोहल्ले वाले भी कर रहे। मतलब फुटपाथ वाली चाय से ज्यादा अच्छी या? अच्छी। लाइट आ गई। नो रियली, वाकई में फुटपाथ वाली चाय से ये चाय बेहतर है। सीरियसली? सीरियसली? क्यों? क्योंकि इस चाय में अदरक है। और
और ये चाय आम। क्योंकि ये चाय डॉक्टर निधि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? एनीवेज मैं आ गई हूँ, आशुतोष की देखभाल मैं कर सकती हूँ। डॉक्टर मलिका मैं यहाँ से जा ही रही थी, मैं सिर्फ सर को गेट वेल सून विश करने आई थी। डॉक्टर आशुतोष को फूल पसंद नहीं है। I'm really sorry. डॉक्टर निधि Okay. आप फूल यहां रख सकती हैं। Thank you, Dr. Nidhi. चाय नहीं बनाई आपने, फिर भी चाय बनाने का जिम्मा आपने ले ली। सच बात तो यह है कि मैंने भी जिंदगी में कभी ठीक तरह से चाय बनाना नहीं सीखा। अब इस सिचुएशन में दो लोग अकेले, आप और मैं, अंधेरे में चाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डॉक्टर हाथ स्टोन क्या कोई खड़ूस भी हंस पड़ेगा। डॉक्टर आशुतोष को फूल पसंद नहीं है। It's okay. आप फूल यहां रख सकती हैं।
हीरो मलिका, मैं आज तक समझता था कि चाय बनाना बड़ा मुश्किल है, और ऐसा नहीं है। इट्स रियली क्वाइट सिंपल। पानी डालो, पत्ती डालो, शक्कर डालो, दूध डालो, सब कुछ उबाल लो और झट से पी जाओ। डॉक्टर निधि ने बताया। और आज से तुम्हें फूल भी पसंद आने लगे। जो मैं ना कर सकी वो डॉक्टर निधि ने कर दिखाया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इससे डॉक्टर निधि की खूबी समझू या फिर तुम्हारी दरिया दिली। मलिका, व्हाई आर यू डूइंग दिस? यू नो, इस बात को तुम इतना बढ़ावा क्यों दे रही हो? आई मीन, देयर इज नथिंग टू इट। मैं बात को बढ़ा रही हूँ आशुतोष? मैं दो दिन से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता है कि जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ, और इसके बाद भी मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। दैट मींस आई वाज अपसेट, और ये जानते हुए भी तुमने मुझे एक फोन नहीं किया। मलिका, मेरा फोन जो है वो हीरामन का कैफ़ास था, उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया था ताकि मैं अस्पताल को फोन नहीं करूं, अपने काम नहीं करूं। ओके 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 ओके, फॉरगेट अबाउट। आशुतोष, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। टेल मी ना, तुम ही इधर उधर की बातें कर रही हो। मलिका, मेरे भाई और भाभी आए हुए। रियली? फिर घर में बड़ी रौनक होगी। आशुतोष, वो मेरे ऊपर शादी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। रात दिन बस घर में ये डिस्कशन होता रहता है कि मैं शादी कब कर रही हूँ, मैं शादी क्यों नहीं कर रही हूँ। इसमें परेशान होने की क्या बात है मलिका? उनकी बात मान लो, उनके लिए भी अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। शादी कर लो। अजी, अरे डॉक्टर आशुतोष के लिए चाय बनाई। चाय? तूने आज तक चाय नहीं बनाई है। एग्जैक्टली, इसलिए तो ये है चमत्कार नंबर वन। यानी कि एक से ज्यादा चमत्कार हुए। जी हाँ, और चमत्कार नंबर टू ये था कि डॉक्टर आशुतोष ने अपनी लाइफ में पहले कभी चाय नहीं बनाई थी, और उन्होंने भी पहली बार मेरे साथ चाय बनाई। डॉक्टर हार्टस्टोन ने चाय बनाई? एग्जैक्टली, और वो भी अंधेरे में। अंधेरे में क्यों? अरे वो क्या है ना, उनके घर की लाइट चली गई थी तो मैं अंदर गई और मैंने कैंडल जला ली। यानी कि अंधेरे में तूने और डॉक्टर आशुतोष ने साथ में कैंडल जला के चाय बनाई और पी भी, जब तक डॉक्टर मलिका ने आके वो कैंडल ना बुझाती। क्यों? क्योंकि लाइट आ गई थी ना। यानी कि डॉक्टर मलिका और लाइट दोनों एक साथ आए। हाँ, इसलिए तो ये था चमत्कार नंबर फोर। फिर क्या? फिर डॉक्टर मलिका ने मुझसे कहा कि मैं वहां से चल जाऊं, क्योंकि वो डॉक्टर आशुतोष का ध्यान रखने के लिए आई गई है। और तू चली आई, गेट वेल सून भी नहीं बोला। बोलने जा ही रही थी कि जब डॉक्टर मलिका ने मुझे याद दिलाया कि डॉक्टर आशुतोष को फूल पसंद नहीं है। यानी कि स्पेशल गुलाब के भी पैसे बर्बाद? नहीं नहीं यार, तभी तो हुआ चमत्कार नंबर फाइव। मैं गुलाब लेके बस वहां से जा ही रही थी, डॉक्टर आशुतोष ने कहा ये फूल आप यहीं छोड़ सकती हैं। He accepted it. उस वक्त डॉक्टर मलिका का चेहरा कैसा हो रहा था? अब वो सब देखने की फुर्सत किसके पास में थी? मैं तो इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी कि एक के बाद एक चमत्कार हुए जा रहे, मैं तुझे बताना चाहती थी। और मैंने सबसे बड़ा चमत्कार तो बताया ही नहीं। किंग साइज चमत्कार? हाँ। सुनो अंजी, मैंने डॉक्टर आशुतोष को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। He plays the violin. Can you believe it? मैंने उन्हें बहुत गलत समझाया। मतलब
मतलब अंजी, डॉक्टर आशुतोष खड़ूस नहीं है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.